हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द रिएक्ट नेविगेशन वीडियो ट्यूटोरियल। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टैब नेविगेशन की। टैब नेविगेशन क्या होती है, सबसे पहले मैं आपको उसको एग्जांपल दिखा देता हूँ। देखिए, ये टैब्स होते हैं, जैसे कि होम टैब है, ब्राउजर टैब है, सर्च टैब है, व्हाट्सएप के अंदर ऐसी टैब नेविगेशन होती है, आपने देखी होगी। ऑलराइट, सो इस तरीके से ये टैब नेविगेशन का एक वीडियो बनाने वाले हैं। और ये वाला कोड है जो आपको ये पिछली वीडियो का कोड दिख रहा है, ये सारा का सारा कोड डिलीट कर दूंगा स्टार्ट करने से पहले। बट उससे पहले हम एक बार के लिए ऑफिशियल वेबसाइट भी विजिट कर लेते हैं और इस वीडियो के पॉइंट्स भी देख लेते हैं। ऑलराइट, सो ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर जाते हैं तो ऑब्वियसली आपको तीन तरीके के यहाँ पे नेविगेशन दिखेंगे। एक तो हमारा स्टैक नेविगेशन होता है जो हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा, एक टैब नेविगेशन, एक ड्रॉअर नेविगेशन। टैब नेविगेशन के ऊपर जाते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ता है टैब नेविगेशन। आप यहाँ पे थोड़े सरप्राइज हो जाओगे कि यहाँ पे बॉटम टैब्स क्यों दिया है, क्योंकि टैब्स तो हमारे जैसे कि यहाँ पे ऊपर भी आ सकते हैं और नीचे भी आ सकते हैं। शायद इस बार अब तक मैं बहुत ज़्यादा अब तक गो थ्रू तो नहीं हुआ हूँ, बट आई थिंक ये वाले जो टैब्स होंगे ये बॉटम के अंदर ही काम करते हैं, टॉप के अंदर लाने के लिए। बाई डिफॉल्ट बॉटम में काम करता है, टॉप के अंदर लाने के लिए इसको काफ़ी कस्टमाइज करना पड़ता है। और जस्ट यही रीज़न लग रहा है मुझे अभी तक, तो कुछ और होगा तो मैं आपको वीडियो बना के इसके अंदर प्लेलिस्ट के अंदर डाल दूंगा और आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ऑलराइट, सो बस ये इंस्टॉल करना है, उसके बाद में हमें बिल्ड वगैरह बनानी पड़ेगी। और बिल्ड बनाने के बाद में, हाँ मैं यहाँ पे पॉइंट्स लिख ही देता हूँ एक्चुअली, बिल्ड और बाद में हमें दो कंपोनेंट बनाने हैं। और दो कंपोनेंट बनाने के लिए बाद में पैकेज वगैरह इंपोर्ट करेंगे और बाद में उनको अप्लाई कर देंगे और हमारी नेविगेशन इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगी, जैसे यहाँ ऐसा कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे पैकेज को इंस्टॉल करता हूँ। सो सिंपली लिखता हूँ npm इंस्टॉल और या फिर /bottom-tabs और जस्ट हिट द एंटर। जैसे हम एंटर करेंगे तो ये इंस्टॉल करेगा। उसके बाद में हमें एक बार बिल्ड बनानी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि रिएक्ट नेविगेशन के जितने भी पैकेज होते हैं वो जो कोर iOS और एंड्रॉयड की लाइब्रेरीज होते हैं उनके साथ में लिंकअप करते हैं, तो इसीलिए हमें इनकी एक बार बिल्ड बनानी पड़ेगी। ऑलराइट, सो यहाँ पे मेरा नेविगेशन रन हो रहा है, यहाँ पे ये अपने आप, इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ फॉर अ मोमेंट। और ये इंस्टॉल हो गया। सो इंस्टॉल होने के बाद मैं इसी टैब के अंदर इसकी बिल्ड बना लेता हूँ। तो बिल्ड बनाने के लिए मैं बेसिक लिखना पड़ता है रिएक्ट नेटिव रन एंड्रॉयड। राइट, और ये थोड़ा टाइम लेते हैं तो मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। ऑलराइट, सो ये यहाँ पे इंस्टॉल हो गए हैं और बिल्ड भी बन गई है। उसके बाद में हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं रिएक्ट नेटिव स्टार्ट कमांड के साथ में। ऑलराइट, और जब तक ये स्टार्ट होता है तब तक मैं क्या करता हूँ कि हमारा जो कोड है वो मैं कोड लिखना स्टार्ट कर देता हूँ हमारी ऐप वाली फाइल के अंदर। ठीक है, सो मैं यहाँ से सारा का सारा एक्स्ट्रा कोड डिलीट कर देता हूँ। इवन ये हमने सारे के सारे कंपोनेंट्स पहले भी बनाए थे लाइक होम एंड ऑल, बट मैं स्टिल इनको दोबारा से ही बनाऊँगा। ठीक है, सो यहाँ से एप्लीकेशन कंपोनेंट है और इसको मैं कम्प्लीटली डिलीट कर दे रहा हूँ यहाँ से लाइक दिस। देन फंक्शन एंड ऑल सबके सब डिलीट कर दे रहा हूँ। एंड देन मुझे इनकी भी ज़रूरत नहीं है, रिएक्ट नेटिव से इंपोर्ट जो हो रही है वो चीज़ें मैं रख सकता हूँ और बाकी ये सब कुछ मैं यहाँ से इंपोर्ट कर दे रहा हूँ। ऑलराइट, और हमें यूज़ इफेक्ट की भी अभी के लिए ज़रूरत नहीं है, मैं ये भी यहाँ से हटा दे रहा हूँ। ऑलराइट, सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मेरा ऐप कंपोनेंट बनाऊंगा, क्योंकि ऐप कंपोनेंट तो यहाँ पे बेस है। यहाँ पे लिखूंगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और ऐप, और जैसे ही मैं ऐप कंपोनेंट बनाऊंगा या फिर मैं एक कंपोनेंट का फंक्शन भी रख सकता हूँ यहाँ पे फंक्शन, और इस फंक्शन के अंदर बेसिकली हम एक रिटर्न लेते हैं और रिटर्न के अंदर हम कुछ कुछ चीज़ें रिटर्न करवाते हैं। ऑलराइट, सो बट अभी के लिए मैं नेविगेशन नहीं ऐड कर रहा हूँ, मैं स्टार्टिंग से कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे नॉर्मल एक व्यू रिटर्न करवा रहा हूँ। ऑलराइट, सो अच्छे व्यू, और व्यू के अंदर मैं एक नॉर्मल टेक्स्ट ले लेता हूँ यहाँ पे, और टेक्स्ट में यहाँ पे मैं सिंपली लिखता हूँ हेलो। टैब नेव। ऑलराइट, सो जैसे कि हमारा एक ये बेसिक कंपोनेंट बन गया है, सो बट हम इसका नाम देना भूल गए हैं, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे इसका यहाँ पे नाम दे देते हैं ऐप। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स चेक आउट।
कि क्या ये कंप्लीट बंडल हो गया, यस बंडल हो गया, बट कई बार स्टार्ट करने में प्रॉब्लम करता है, तो हम इसको क्लोज करके दोबारा से ओपन कर सकते हैं। राइट, सो लेट्स रिफ्रेश इट एंड लेट्स चेक आउट द आउटपुट व्हाट वी आर गेटिंग हियर। सो यहाँ पे हेलो टैब नैव आ गया, परफेक्ट। सो इसके जैसे ही मैं यहाँ पे दो कंपोनेंट और बना लेता हूँ। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द टू मोर कंपोनेंट्स, बट वो हमें एक्सपोर्ट नहीं करने हैं, तो मैं वहाँ से एक्सपोर्ट हटा दूंगा बेसिकली। ऑलराइट, सो यहाँ मैं लिखता हूँ होम स्क्रीन, और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट मुझे नहीं करने हैं, सो मैं इनको हटा सकता हूँ यहाँ से। देन उसके बाद मैं यहाँ पे कर सकता हूँ लेट्स से सेटिंग स्क्रीन एंड एक्सपोर्ट डिफॉल्ट को हम यहाँ से हटा देते हैं। परफेक्ट, सो कंपोनेंट्स हमारे रेडी हैं। अब मैं यहाँ से बेसिकली टैब नेविगेशन है और जो नेविगेशन कंटेनर है उसको इम्पोर्ट करता हूँ। सो जस्ट लिखूँ यहाँ पे इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम, और यहाँ पे लिखना शुरू करूँगा एट द रेट रिएक्ट नेविगेशन का नेटिव, और इससे बेसिकली मैं ये निकालूँगा नेविगेशन कंटेनर। ऑलराइट, और फिर से मैं एक और इम्पोर्ट करूँगा इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम, और यहाँ पे फिर से ऐसे लिखूंगा एट द रेट रिएक्ट नेटिव बॉटम टैब नेविगेशन, और यहाँ से निकालने वाला हूँ क्रिएटिंग और क्रिएट बॉटम टैब करके एक होता है हमारे पास, इसके अंदर पैकेज होता है वो निकाल लेते हैं। ऑलराइट, सो जैसे ही हम निकालते हैं, अब मुझे जो यहाँ पे ऐप है उसको मैं यहाँ पे एक कंटेनर बना देता हूँ, नेविगेशन कंटेनर इस तरीके से। ऑलराइट, और जैसे मैं नेविगेशन कंटेनर बनाऊंगा, सो मुझे इसके अंदर मुझे जो बॉटम टैब नेविगेटर है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे कॉन्स्ट लेता हूँ और कॉन्स्ट का नाम लेता हूँ लेट्स से मैं टैब, और यहाँ पे इस फंक्शन को मैं यहाँ पे इसके अंदर पास कर देता हूँ। नाउ अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ टैब डॉट, यहाँ पे आता है स्क्रीन, और स्क्रीन के अंदर बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, एक तो नाम कि स्क्रीन का नाम क्या है। लेट्स से मेरा नाम, इसका नाम है होम, इसका नाम रखूँगा, और कंपोनेंट, कंपोनेंट कौन सा लेना है मुझे, जो कंपोनेंट लेना है मुझे होम स्क्रीन। कहाँ गया होम स्क्रीन, क्यों नहीं आ रहा इसके अंदर। ऑलराइट, अच्छा ये फट गया इसीलिए नहीं आ रहा, दैट्स ओके, व्हाट अ प्रॉब्लम। ऑलराइट, सो जैसे ही मैं इसको रेडी करता हूँ यहाँ पे, सो अभी आपको दिखा कि यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है पूरी स्क्रीन के अंदर। ऑलराइट, सो मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पे और पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे एक और जो सेटिंग है उसका भी स्क्रीन ले आता हूँ, और यहाँ पे मैं लाऊंगा सेटिंग स्क्रीन। ऑलराइट, एंड लेट्स सेव इट। जैसे हमने स्क्रीन यहाँ पे लगा दिया है, तो हमें यहाँ पे इनके ऊपर नेविगेटर भी लगाना पड़ता है। तो जस्ट राइट हियर टैब डॉट नेविगेटर, और इसके बीच में हम यहाँ पे स्क्रीन पेस्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स फॉर्मेट इट, और जैसे मैं इनको सेव करता हूँ, अब आप देख सकते हो यहाँ पे छोटे छोटे दो टैब्स आ गए हैं। ये बहुत ही यहाँ पे छोटे दिख रहे हैं, बट स्टाइल के लिए हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। बट यहाँ पे आप क्लिक करने के ऊपर देख सकते हो दोनों के अंदर ही होम लिखा हुआ है, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे सेटिंग लिख देता हूँ सेटिंग, और इसका स्टाइल थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ स्टाइल, और स्टाइल के अंदर बेसिकली लिख देता हूँ मैं फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज में 30 डाल देता हूँ इसके अंदर, और सेम मैं कॉपी करके डाल देता हूँ होम वाले टेक्स्ट के अंदर। राइट, सो अभी आपको थोड़ा सा टेक्स्ट बड़ा दिखेगा नॉर्मल टेक्स्ट से यहाँ पे, थोड़ा सा चाहो तो मैं आपको जूम करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे, और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे सेटिंग और दिख जाएंगी। ठीक है, ओके, और लेट्स रिमूव इट, और जैसे मैं सेटिंग के ऊपर क्लिक करूँगा तो सेटिंग वाला टैब दिख रहा है, होम के ऊपर हमें होम वाला टैब दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारे दो टैब बन गए हैं। लेट्स ट्राई टू मेक वन मोर टैब, यहाँ पे मैं एक और टैब कर देता हूँ लेट्स से अबाउट, और इसके अंदर मुझे अबाउट स्क्रीन चाहिए, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेटिंग टैब नेव, यहाँ पे होम लिख देते हैं, और यहाँ पे अबाउट, और यहाँ पे मैं नाम चेंज कर देता हूँ अबाउट स्क्रीन। ऑलराइट, और इसके अंदर हम यहाँ पे
नाम भी चेंज कर देते हैं इस तरीके। ओ सॉरी, अबाउट स्क्रीन। सो मैं जैसे इसको सेव करता हूँ, अब आपको यहाँ पे तीन टैब्स दिख रहे होंगे, होम, सेटिंग एंड अबाउट, ठीक है। तो इस तरीके से टैब नेविगेशन काम करती है। आने वाली वीडियो के अंदर हम देखते हैं इसके अंदर और कि हम इसका स्टाइल वगैरह, इनको बड़ा कैसे कर सकते हैं, इनको रिप्लेस कैसे कर सकते हैं, इनको बॉटम वगैरह पे या फिर टॉप, अभी टॉप वगैरह पे कैसे लेके सकते हैं, ये सारी वीडियो देखने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। बाय बाय, टेक केयर।